नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर किसमें कितना दम प्रोग्राम के तहत चढ़दी कला टाइम टीवी की टीम ने घरौंडा हलके का दौरा किया। इस कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भाजपा प्रत्याशी व निवर्तमान विधायक हरविंद्र कल्याण को सरल स्वभाव व चरित्रवान व्यक्ति बताते हुए कहा कि उन्होंने कड़ी मेहनत करके विधानसभा क्षेत्र की लड़ाई लड़ी है, जिससे पूरे विधानसभा क्षेत्र में बेतहाशा विकास कार्य हुए हैं। हलके की जनता भाजपा प्रत्याशी हरविंद्र कल्याण को अपना स्नेह देकर दोबारा विधानसभा में भेजे। चौरा गांव में पहुंचे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी और ईमानदार मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, तो मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन अपने नेतृत्व का और खास तौर पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे दोबारा घरौंडा विधानसभा से प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में भेजा है। किसी ने मौका दिया सेवा करने का तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दिया। मैं घरौंडा विधानसभा का जो कार्य कर पाया, जो पिछड़ापन यहाँ का था, जो पुरानी समस्याएं थी, उनको दूर करने का काम मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जब मैंने 1989 में राजनीति शुरू की और मैं लोगों के बीच जाना शुरू हुआ, तब से मैं हमेशा ये देखा करता था कि घरौंडा के अंदर जो भी समस्याएं हैं, मगर वो समस्याएं कभी दूर नहीं हुई। घरौंडा विधानसभा से हमारे वर्तमान विधायक और फिर से पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया, निश्चित रूप से आप हमारे भविष्य के भी विधायक श्री हरिंद्र कल्याण जी। भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश के नाते भी, मैं भी जगह जगह जा करके और चुनाव प्रचार के नाते से, आज मेरी 31वीं जनसभा है हरियाणा में। अभी विधानसभा के चुनाव में, वैसे हरियाणा का मैं 5 बार राउंड पूरा कर चुका हूं, ये 6ठा राउंड इस चुनाव से पहले पूरा होगा और मैं दावा करता हूं कि किसी मुख्यमंत्री ने 6 बार हरियाणा को कभी भी पूरी तरह से नहीं घूमा होगा। और आज से तो हर दिन मेरी 7 सभाएं होंगी, आज आधा हरियाणा पूरा करके मैं रात्रि को पानी बताने वाला हूं। मैं समझता हूं कि 90 की 90 विधानसभाओं में हमारा प्रचार अभियान पूरा जोरों से चल रहा है और जहां सामने देखते हैं तो हमको कई बार मैदान खाली लगता है। कांग्रेस के लोग तो शुरू ही नहीं कर पा रहे कि उत्तर से शुरू करें कि दक्षिण से शुरू करें, पूर्व से करें कि पश्चिम से शुरू करें। वो हमारे कांग्रेस के नेता, वो तो अपना कलोई में ही उलझे हुए हैं, कलोई से बाहर संभव ही नहीं उनका जाना। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है हरियाणा में कि 6 महीने पहले हरियाणा की जनता ने कह दिया था कि हरियाणा में फिर से अगली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। पिछले भाई बहनों, मैं तो इतनी बात कहूंगा, विषय बहुत है कहने के लिए, लेकिन चुनावी सभाओं में तो दर्शन करना आप लोगों के और अपील करना, ये मुख्य दो काम होते हैं। आते ही मैंने आपके दर्शन किए, अपील के नाते इतनी बात कहूंगा कि घरौंडा विधानसभा से आपके बहुत ही होनहार, बहुत ही सरल, बहुत ही, यानी जिसको कहना चाहिए एक साफ सुथरे चरित्र के एक आदमी श्री हरिंद्र कल्याण जी आपके बीच में हैं। लगातार आपकी सेवा की है, ज़्यादा संख्या में अपने पड़ोसी, साथ काम करने वाले लोग, जहाँ तक भी हमारा परिचय है, घरौंडा विधानसभा में तो हम करेंगे ही, इसके अलावा जहाँ जहाँ भी हमारी हरियाणा में अप्रोच है, सब जगह अपने साथियों को, अपने लोगों को, कि जितना ज़्यादा सीटों पर हम जिताएंगे, 75+ का हमारा जो लक्ष्य वो पूरा करेंगे।